जनपद हाथरस के थाना चंदपा क्षेत्र के गांव बालूगढ़ी में युवती के साथ हुई गैंगरेप की घटना के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार 14 सितंबर को जनपद हाथरस के चंदपा क्षेत्र के गांव बलुगड़ी में एक युवती के साथ गांव के ही रहने वाले 4 युवकों ने गैंगरेप किया था। इतना ही नहीं, गैंगरेप के बाद 4 आरोपियों ने युवती की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। उसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को जेल भेज दिया। वहीं युवती ने आज दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस घटना से राजनीति शुरू हो गई है और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के ट्वीट और बयानबाजी आना शुरू हो गया है। वहीं जनपद हाथरस में इस घटना के बाद पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। गांव बालूगढ़ी में पीएसी और पुलिस फोर्स तैनात है। वहीं युवती के परिजनों का कहना है कि 4 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई जाए। हुई घटना के आधार पर पीड़िता के भाई द्वारा लिखित तहरीर देकर थाना चंदपा में FIR दर्ज कराई गई। 307 IPC के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। कुछ दिनों पश्चात लड़की द्वारा पीड़िता द्वारा बताया गया कि उसके साथ छेड़खानी की घटना भी हुई थी, उसी एक व्यक्ति द्वारा की गई थी जो कि पहले दिन नाम बताया था। उस आधार पर धारा में वृद्धि की गई। उसके पश्चात पुनः जब लड़की होश में आई तो उसने बताया कि पूर्व में उसे ध्यान नहीं आया था और 3 लोग और इस घटना में शामिल थे और 376 का मुकदमा पंजीकृत 376 धारा के वृद्धि की गई। तो सर, PM रिपोर्ट आई, 4 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए और पुलिस द्वारा इस दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लड़की को भेजकर उसका हर संभव इलाज कराया गया। लड़की के माँ बाप को कन्विंस करके उसको दिल्ली भी इलाज हेतु भेजा गया, पर अनफॉर्चुनेटली आज सुबह उस लड़की की जो है उनको बचा पाने में डॉक्टर सफल नहीं हो पाए। और PM में पुष्टि हुई है तो घटना की रेप की। देखिए, पोस्टमार्टम तो आज हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में हमारे पास समय लगेगा, पर इससे पहले जो मेडिकल रिपोर्ट, अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो मेडिकल कॉलेज है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस संबंध में यही कहा है कि ये जो सैंपल है वो फॉरेंसिक साइंस लैब विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा भेजा जाना चाहिए, जिसका वजह से 26 तारीख को वो सैंपल भेज दिया गया था, जिसकी रिपोर्ट आनी भी शेष है, जल्दी आ जाएगी। उसके आने के पश्चात ही इस संबंध में कैटेगोरिकली सर 19 तारीख को अभी तक 19 तारीख को धारा 376D को ऐड किया गया। नहीं, 19 से 22 तारीख को, क्योंकि 19 तारीख को उसने छेड़खानी के बाद बताया। सर, रिपोर्ट में सर कोई पुष्टि नहीं हुई अभी तक। अभी अलीगढ़ मेडिकल की जो रिपोर्ट आई है उसमें कोई पुष्टि नहीं है अभी तक। इस बारे में कैटेगोरिकली किसी प्रकार का क्लियर ओपिनियन अस्पताल ने नहीं दिया, डॉक्टर्स ने नहीं दिया, उनकी रिपोर्ट के अनुसार, इसीलिए हम FSL की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। धारा तरमीम की गई है इसकी हत्या की मौत के बाद। अब निश्चित ही 307 जो शुरू में थी, जो अटेम्प्टेड मर्डर होता है, अटेम्प्ट टू मर्डर, उसकी स्थान पर अब चूंकि पीड़िता की मृत्यु हो चुकी है, अतः 302 में तरमीम कर दिया जाए। ठीक।